गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मामा ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है संडे और आज हम लोग कहीं नहीं निकले बाहर। दिन भर घर पे ही थे, इनका मूड बिल्कुल भी नहीं था कहीं निकलने का और बारिश भी हो रहा था। अभी रात का आपका 9:30 बज रहा है और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे बस बॉम्बे टी कटिंग में चाय पीने। बिकॉज वहाँ चाय पीने इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ का चाय सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए मन करता है चाय पीने का। बाहर खड़ा होने का रीज़न है बहुत भीड़ है, अंदर स्पेस नहीं है बिल्कुल भी बैठने का, तो लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा खाली हो तो हम लोग फिर बैठ के चाय का मज़ा लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे चाय ले चुके हैं और ये हम लोग यहाँ पे चाय पीते हैं जैगरी टी। अगर सिलीगुड़ी कोई लोकल होगा तो वह ट्राई कर सकते हैं, वहाँ जाके वहाँ का चाय बहुत मस्त बनता है। फिर मैं वहाँ से आई ऑयलिंग की अपने हेयर्स में और फिर इनका ऑयलिंग की, बहुत दिन से ऑयलिंग नहीं हो रहा था तो मैं सोची नहीं ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है स्कैल्प के लिए। और मेहंदी भी लगाई थी, मेहंदी लगाने के बाद मतलब ऑयलिंग करके शैम्पू करती हूँ तो मैं सोची कि नहीं कर लेती हूँ उसके। फिर इनका पैर भी दर्द कर रहा था तो मैं बोली थोड़ा पैर भी दबा देती हूँ, इनका बोल रहे थे बहुत दिन से पैर दर्द हो रहा है तो मैं पैर वगैरह दबा के उसके बाद जो काम होगा और काम करूँगी और फिर बाबू को सुलाऊँगी। पति का भी सेवा ज़रूरी हो। मॉर्निंग गाइस, आज है मंडे और मंडे को तो आप लोग पता ही कि मैं मंदिर जाती हूँ उनके साथ, ये जन्म छोड़ते हैं और आज गुरु पूर्णिमा भी है और गुरु के साथ सत्यापन कथा भी है तो माँ के पापा के गुरु जी आने वाले हैं तो आपके मंदिर से सत्यापन प्रसाद बनाना है। और आप तो देख सकते हैं कितना बारिश हो रहा है आज, अब देखिए आने के बाद साड़ी भीग जाएगा मेरा तो मैं फटाफट जाती हूँ मंदिर से जल उठा के फिर फटाफट आती हूँ। और ये साड़ी चुनरी प्रिंट आप है, मैं शादी के टाइम पे साड़ी है, ये न्यू साड़ी नहीं है, जब मैं शादी होकर आई थी आज से 8 साल पहले तब के ये साड़ी है। तो मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं निकल रही हूँ मंदिर, इसीलिए सुनते हैं चलिए मंदिर। रुक गया ना बारिश, ओके बाइक से जाएंगे ना गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी से अभी लिए हैं पहुँच गए हम लोग मंदिर में। और मैं यहाँ पे सबसे पहले जल ढा रही हूँ, बहुत भीड़ है पता नहीं क्यों, पूर्णिमा है, सावन तो अभी चढ़ा नहीं है, सावन तो कल से चढ़ने वाला है, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ था तो मुश्किल से मैं कैसे भी अंदर घुस के मैं सोची फटाफट मैं जल ढाल लेती हूँ क्योंकि इनको भी डालना होगा। ये फूल ले रहे हैं बाहर में तो मैं सोची इतना देर मेरा हो जाएगा पूजा। और देखिए अब ये आ गए, कितना भीड़ है इनके आने के बाद और भीड़। अब हम लोग पहुँच गए घर, घर आने के बाद अब देखिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत तो भीग गए थे तो देखिए मैं साड़ी कैसे पूरा फैल गया एकदम। एक साइड में मैं यहाँ पे खीर बैठा के रखी हूँ और यहाँ पे हलवा सूजी फ्राई हो चुका है, अब उसमें मिस्री और गर्म पानी मैं डाल दूँगी, गर्म या ठंडा कुछ भी डाल सकते हैं तो देखती हूँ मैं, अगर गर्म रहा तो गर्म डाल तो ठंडे डाल के बना लूँगी फटाफट। ये है चना दाल, तो सभी कोई मतलब दाल पूरी के चना दाल बॉयल करके बनाते हैं बट मैं कच्चा चना दाल का बनाती हूँ, बहुत टेस्टी होता है कच्चा चना दाल का। और मैं ये मिस्री फोड़ रही हूँ हलवा में डालने के लिए, अच्छे से नहीं फोड़ने से फिर वो हलवा में बस ये रह जाता है गोटा गोटा। और खीरे वगैरह मैं ऐसे डाल दूँ तो चलो चल जाता है, तो मैं उसमें थाली में कर रही थी ठीक से नहीं हुआ तो मैं बोलती इसमें कर लेती हूँ अच्छे से हो जाएगा। तो अभी मैं वो चना दाल को उस पॉट में रखी हूँ, ग्राइंड नहीं की हूँ तो अच्छे से इसको पाउडर बना के मैं हलवा में डाल दूँगी। देखिए देख सकते हैं कैसा थ्रेड वाला मिस्री है ये, तो ये मैं यहाँ पे गर्म पानी डाल दी और चीनी भी डाल दी हूँ मैं, अब ये बॉयल होगा, बॉयल होके थोड़ा ड्राई होगा तो मैं उतार दूँगी और थोड़ा बहुत घी भी ऐड कर दी ऊपर से मैं। और देखिए हलवा रेडी हो गया और आलू मैं अब जा रही हूँ बॉयल करने, आलू का सब्ज़ी बनाऊँगी दाल पूरी के साथ, आलू का सब्ज़ी और
उसके बाद और कौन सा सब्ज़ी बनाती हूँ मैं आगे दिखाती हूँ आप लोग को। पहले आलू बैठाऊँ सबसे पहले मैं, और यहाँ पे मैं बनाऊँगी अब पनीर और मटर, मटर पनीर का सब्ज़ी। तो पनीर को मैं पीसेस में काट कर लेती हूँ। ये है फ्रोज़न मटर, बिकॉज़ अभी मटर का सीज़न नहीं है तो फ्रोज़न मटर ही मंगाना पड़ता है बनाने के लिए। और सब्ज़ी तो ऐसी बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो कभी ख़रीदने नहीं गई हूँ, माँ पापा बताते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा होकर रखा है सब्ज़ी अभी। तो मैं यहाँ पे पनीर फ्राई करके निकाल चुकी हूँ दूध में, और बिना लहसुन प्याज के सारा खाना बनेगा, पूजा का खाना है तो बिना लहसुन प्याज के बनेगा। अब मैं टमाटर वगैरह, मतलब ये मैं अब पनीर फ्राई करके निकाल ली, फिर इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल था उसको भी मैं निकालती हूँ, टमाटर और मिर्ची बॉयल करने रखी हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी के लिए। अभी इस कढ़ाई में मैं आलू दम बनाऊँगी, तो उसमें तेज़पत्ता और सूखा मिर्ची का फ़ोरन डालूँगी बस, और कुछ नहीं। और हाफ टमाटर ऐसे डालूँगी और हाफ को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। बहुत टेस्टी होता है बिना प्याज लहसुन का भी सब्ज़ी ना, और अच्छे से बनाओ मन से तो सच में बहुत टेस्टी होता है। नहीं तो बहुत जन बोलते हैं कि नहीं बिना प्याज लहसुन का सब्ज़ी कैसे बनेगा, उतना अच्छा होता ही नहीं है। ये अदरक टमाटर हरा मिर्ची गुलमरिच पाउडर धनिया जीरा पाउडर को अच्छे से मैं ग्राइंड करके तब ये टमाटर डालूंगी कढ़ाई में, जो कटा हुआ टमाटर है उसको फ्राई करने के बाद मसाला ग्राइंड कर चुकी हूँ, अब मैं इसमें डाल भी दी, अच्छा से भून लूँगी। भूनने के बाद आलू बॉयल के आलू को पीसेस में कट करके डालूँगी। तो अभी आलू बॉयल नहीं हुआ है, मैं सोचती थी तो मसाला फ्राई कर लेती हूँ फटाफट, कुकर में बैठा के रखी हूँ आलू में, तो मसाला फ्राई होगा उसका तब तक आलू भी बॉयल हो जाएगा तो मैं डाल दूँगी, पॉट भी खाली हो जाएगा। तो एक पॉट में ये पनीर का मसाला मैं रेडी कर लूँगी, और एक बड़ा वाला पॉट में चना दाल डाल के रखी हूँ वो दाल पूरी के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि जो भी काम हो फटाफट कर लूँ, करने में अच्छा रहेगा। और पंडित जी तो लेट से आएंगे, 11 बजे आएंगे पूजा कराने। और ये फ्रोज़न मटर को मैं पानी में डाल के रखी हूँ, थोड़ा सा हल्का सा बॉयल कर लूँगी, नहीं तो थोड़ा हार्ड रहता है डायरेक्ट ऐसे बनाने से। ये है पनीर का मसाला, पनीर का मसाला में कुछ भी नहीं डाली हूँ, काजू अदरक हरा मिर्ची और सूखा मिर्ची टमाटो बस। और ओपन हेयर से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था काम करने में, तो मैं सोची कि पहले उसको बांध लेती हूँ मैं, तभी काम करूँगी अच्छे से। तो देखिए आलू का सब्ज़ी रेडी हो गया है, और ये मटर पनीर भी रेडी हो गया, और ये है दाल पूरी का मसाला, और ये है चूरन। गाइस मुझे साड़ी चेंज करना पड़ा, क्यों मैं रीज़न बताती हूँ कि देखिए मैं दिखाती हूँ कौन सा साड़ी मैं पहनी हूँ। ये देखिए ये पिंक कलर का साड़ी मैं पहनी हूँ। ये रीज़न था चेंज करने का, मैं मंदिर से आई, मंदिर से आने के बाद किचन में लगी और फेस भी पता नहीं सर इसीलिए रेड हो गया है। अब मैं रीज़न बताती हूँ कि रेड हुआ क्या हुआ है। मैं आलू का दम बनाई, खीर बना दी, हलवा बना दी, और एक मटर पनीर बस बचा था, और भी कुछ कुछ बचा था, दाल पूरी का मसाला वगैरह बचा था, बट मेरे लिए मेन फोकस मेरा मटर पनीर पे था, बाकी सब्ज़ी वगैरह बना चुकी थी। तो जब मटर पनीर को मैं मसाला पीसने गई, तो जब मैं मतलब ग्राइंडर में जब ग्राइंड कर रही थी, तो वो एयर भर के वो ऐसे मेरे ऊपर गिरा एकदम, पूरा फेस पे मिर्ची, पूरा नेक पे मिर्ची हो गया, पूरा हैंड में भी मिर्ची हो गया मेरे एकदम, और जलन हो रहा था, इतना जलन हो रहा था कि क्या बताऊँ मैं, बहुत जलन हो रहा था। तो मैं पूरा फेस वॉश की आई से फेस रगड़ी, तो देखिए ना फेस कैसा हो गया मिर्ची लगने के बाद, अब और ये फेस ख़राब मत हो जाए, रेड रेड मत हो जाए बाद में, और पूरा आइस वाइस लगाई तब जाके छोटी हुआ। फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं फिर गई पनीर का सब्ज़ी बनाने। तो मैं पनीर की सब्ज़ी तो मैं आप लोग दिखाई अभी कि पनीर सब्ज़ी कंप्लीट हो चुका है, अब अच्छा नहीं लग रहा है, इतना जलन मेरा हार कि क्या बताऊँ मैं आप लोग को। अब पंडित जी नहीं, पंडित जी आ चुके हैं अभी, अब पूजा स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, सोची मैं फटाफट कम्प्लीट कर लूँगी तो आराम से पूजा में बैठ पाऊँगी। और फिर माँ के जो महाराज जी है गुरु जी, जिसे माँ ग्रो मंथ ली है, माँ और पापा वो भी आने वाले हैं, अब देखती मैं ज़्यादा क्या। बाबू भी स्कूल से आके देखे, फिर मोबाइल देख रहा, उसको खिलाना पिलाना भी बाकी है, खिलाऊंगी पिलाऊंगी थोड़ी देर में, कल ही मिलती मैं आप लोग से। हाँ है लड्डू गोपाल जी का भोग, दाल पूरी और खीर, बिकॉज दाल पूरी सत्यावन को नहीं चढ़ता है, प्लेन पूरी चढ़ता है। पंडित जी हम आ रहे हैं, पहले अच्छा ठीक है, लो एक कटोरी देखो ले लो।
कस्तूरी ललाट तिलकम पटले वक्षस्थले भूपाल चूड़ा मणि ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय। मैं सोची कि मैं फटाफट मोली और टीका लगवा लेती हूँ, बिकॉज फिर बाबू के पास भी टाइम देना पड़ेगा ना, तो चली जाऊँगी फटाफट टी करके। प्रसाद वगैरह तो बना चुकी हूँ, सब कंप्लीट हो चुका है। और ये आप लोगों को तो बताई थी मैं सारी चीज़ें चेंज की हूँ। कितना ख़राब लगता है, ऐसे सुबह रेडी हो जाओ प्रॉपर, उसके बाद से ऐसे फिर वापस चेंज करना पड़े तो बहुत गुस्सा भी आता है कि मेरे साथ ही होना था ऐसे। वैसे बाबू के पास मामले का टाइम नहीं, स्कूल से आया कोई नहीं है, जरूर नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में मंदिर में पूजा में बैठूंगी मैं। आज है गुरु पूर्णिमा, तो माँ के पापा के गुरुजी है, मेरे गुरुजी तो है दूसरे। मैं शादी से पहले गुरु मंत्र ले चुकी थी, तो मतलब बोला जाता है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ लेना होता है, तो अब देखिए क्या होता है बाद में। तो माँ यहाँ पे अपने महाराज जी को बुलाई थी, तो उनका पैर धो रही थी, तो बोले कि तुम लोग भी कर लो, तुम लोग तो जाके कर नहीं पाओगे, तो तुम लोग सबको ही यहाँ पे भी तुम लोग पैर धो लो, फूल वगैरह वो कर लो, गुरु पूर्णिमा तुम लोग का भी मन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इनको भी बुलाई, मतलब हम लोग सबको, देवर तो चले गए थे अलीपुर द्वार, कुछ काम से था उनका, तो काम से चले गए थे अलीपुर द्वार। तो माँ बोले थे मुझे भी टीका लगा देते, पंडित जी मतलब महाराज जी बोले थे नहीं, औरत को टीका नहीं लगाना चाहिए, बस सिंदूर का टीका ही मेन होता है, चंदन का तिलक नहीं करना चाहिए। तो माँ का पूरा प्रोसेस, आरती वगैरह फूल वगैरह सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ खाना पीना राधा चल रहा है, महाराज जी को पंडित जी को हम लोग पहले ही खिला चुके हैं, और पापा बैठे हुए, पापा को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, दुकान से आते पापा बहुत जोर से भूख लग जाता है, तो पापा बैठ गए थे खाने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे महाराज जी को निकाल दूँगी खाना, तो देखिए खाना में क्या क्या निकाले। उनको सब्जी एकदम नहीं खाते थे, एकदम कम कम मैं निकाल रही हूँ, बोले कि मेरी सब्जी मत निकालना, सिर्फ खीर पूरी से हो जाएगा, खीर पूरी हलवा से मीठा चीज़ पसंद है। और भोग लगा हुआ था, तो मैं माँ को बोली कि मुझे हलवा दे दीजिए, मैं दे देती हूँ हलवा हमारा दिए, फिर जो बांटना है आप बांट के दीजिएगा। तो मैं माँ को बोलती हूँ बाबू पास चले जाइए, थोड़े देर बैठी मैं यहाँ पे खिला पिला लेती हूँ, तब तक आप बाबू थोड़े देख लीजिए, मैं तो अकेले ही रहेगा, फिर बदमाशी करेगा, फिर वापस किचन में दौड़ते हुए आएगा, फिर किचन में आके बदमाशी करने लगेगा, तो तब तक मैं खिला लेती हूँ। उसके जब माँ आ जाएगी तब मैं बाबू पास चले जाऊँगी। फिर अब दो महीना लहसुन सब कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद पंडित जी महाराज जी सबको खिलाना पिलाना सब कुछ हुआ, तो आप लोग देख ही लिए, हम लोग का खाना पीना हो गया, इनका भी हो गया। ये जिम से आए अभी, शाम का आपका 6:30 बजने वाला है, बजा नहीं है अभी, बस अब थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। कल संडे था, कहीं निकली नहीं, तो कहीं हो सकता है आज ये कहीं बोले कि चलो चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। अब देखिए वो तो आगे पता चलेगा, ये तो है नहीं अभी घर पर, चेंबर गए हुए हैं, चेंबर से आएंगे तो खुद बताएंगे मुझे। सो गाइज मैं ब्लॉग में पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय।